मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास 20 बोरी आलू है और 20 बोरी उसके पास प्याज है, तो वो क्या ऐसा करे कि जितना उसने फसल की है उसको ठीक से सुरक्षित रख सके, ताकि उसे नुकसान ना हो और वो उस समय पर बेचे जब उससे फ़ायदा हो। पहली बात तो यह है कि उन किसानों को आपस में मिल जाना चाहिए और मिल के जॉइंट एफर्ट्स करने चाहिए, भंडारण के हों या मार्केट के हों। मार्च में जब आलू खुदता है, फरवरी एंड से मार्च तक अप्रैल तक खुलता है, उसका ही भंडारण होता है, जब पक जाता है, पकी फसल को भंडारण करना चाहिए और जो नियरेस्ट जगह है भंडारण की वहाँ करना चाहिए, मार्केट के पास भंडारण करना चाहिए। प्याज के लिए आप छोटे छोटे भंडारण गृह बनाइए, जो बांस के चाल टाइप बनते हैं, ये 1.5-2 लाख रुपए के करीब कॉस्ट आती है, उसमें भी सरकार सब्सिडी दे रही है और टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। आलू का भंडारण और प्याज का भंडारण दोनों अलग अलग चीज़ है जी। तो आलू के भंडारण को घर में करना एक समय के बाद में बहुत मुश्किल है, तो आलू के लिए तो कोल्ड स्टोर में ही जाना बेहतर रहेगा। जहाँ तक प्याज की बात है तो एक या दो किसान मिलके या सिंगल किसान भी वो अपना 100 क्विंटल के लिए एक स्टोर बना सकता है। प्याज में क्या है कि लेबर इंटेंसिव है, कि उसको बार बार बदलना पड़ता है, तो हर हफ्ते आप उसको निगरानी करते रहें और ख़राब प्याज को बाहर निकालते रहें। आलू को हम कितने वक्त तक भंडारण करके रख सकते हैं और प्याज को कितने वक्त तक रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड 6 महीने लेके चलना चाहिए दोनों चीज़ों के लिए, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं करना चाहिए। उसके स्वाद पर, उसकी पौष्टिकता पर कितना फर्क पड़ता है अगर 6 महीने से ज़्यादा किसान उसको रख लेता है? आलू और प्याज में हम 6 महीने से ज़्यादा अगर जाएंगे तो गुणवत्ता में ज़रूर उसमें अंतर आएगा और वो नई फसल से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो किसान को लॉस होगा। कितनी लागत लगेगी जब एक गोदाम अच्छा, जो सही वेंटिलेशन हो जिसका और प्रॉपर चीज़ें रखी जा सके, इसमें कितनी लागत में वो तैयार हो जाएगा बनके? देखिए अगर हम सामान्य बात करें तो 8-10 करोड़ के आसपास में एक कॉस्ट आती है, अच्छे कोल्ड स्टोर की कॉस्ट है। अक्सर देखा जाता है कि मार्केट में आलू प्याज नहीं होते लेकिन स्टॉक होते हैं, एक किसान को या एक व्यापारी को एक कितना आलू कितना प्याज स्टॉक करके रखने का अधिकार है? देखिए जहाँ तक इमरजेंसी पीरियड की बात आती है कि अगर हमारे पास मार्केट में माल नहीं है, जो भी लोग स्टॉक करते हैं तो वो गैर कानूनी हो जाता है कि उधर माल नहीं है और आप स्टॉक कर रहे हैं, किसान पर भी एक्शन लिया जा सकता है अगर वो होल्डिंग करके रखा हुआ है उसने। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।